महंगाई से परेशान लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। संसद में आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में आशंका जताई गई है कि महंगाई और बढ़ेगी। खेती के विकास दर में कमी पर चिंता जताते हुए नीतिगत परिवर्तन पर जोर दिया गया है। हालांकि सर्वेक्षण में यह दावा भी किया गया है कि भारत जल्दी ही 2 अंकों की विकास दर पा सकता है। अगले 4 साल में भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। की चाय चीनी डालकर काली चाय भी आज गरीब को नसीब नहीं है। इस पूरे का ज्ञान शब्द भाव से ज्यादा किसी को नहीं है। वो चीनी साम्राज्य के मालिक है, वो इस देश के चीनी सम्राट। अरे शरद भाव, किसी बुरे ग्रह के कारण महंगाई नहीं आई है, जो ज्योतिषी की जरूरत है आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है। संसद से लेकर सड़क तक महंगाई पर मचा बवाल। इस बवाल के बीच पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण और इस आर्थिक सर्वेक्षण ने आम आदमी की आशंका और बढ़ा दी। देश की मौजूदा आर्थिक सेहत का लेखा जोखा बताने वाले सालाना आर्थिक सर्वेक्षण में खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर चिंता जताई गई है। खाद्य मुद्रा स्फीति की दर 18% के करीब है। कृषि विकास दर 4% तक करना जरूरी है। खेती के विकास के लिए नीतिगत उपाय किए जाए। वित्तीय घाटा GDP का 6.25% है, जो बहुत ज्यादा है। 2009-2010 में अप्रैल से दिसंबर तक निर्यात 20.3% और आयात 23.6% गिरा। आर्थिक सर्वेक्षण के संकेत चिंता में डालने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में आई गिरावट का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का दावा है कि बुरे दिन तेजी से बीत रहे हैं। 2010-2011 में विकास दर 8.75% तक पहुंच सकती है। लास्ट क्वार्टर For the year 2010-11, our growth rate would be 8.5%. We began with a sense of uncertainty the fiscal year and we are ending it with a sense of confidence. आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2011-2012 में भारत की विकास दर 9% हो सकती है। भारत 2 अंकों की विकास दर हासिल करने की ओर है। 4 साल में दुनिया में सबसे तेज विकास दर हासिल करना भी मुमकिन है। मौजूदा कारोबारी साल में विकास दर 7.2% रहने की उम्मीद है। कहा गया है कि सरकार की नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक हो रही है, इसलिए मंदी से उबरने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को दी गई रियायतों को वापस लेने का वक्त आ गया है। शशि श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए साथ ही कल बजट पेश होने वाला है, ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो सेहत है वो कैसी है, और साथ ही ये भी कि इस वक्त जो महंगाई पर जो हंगामा मचा हुआ है उसका औचित्य क्या है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन, साथ ही हमारे साथ है पूर्व अर्थशास्त्री और केंद्रीय मंत्री YK अलग जो अहमदाबाद से हमारे साथ है, और साथ ही वी एन धूत साहब हैं जो वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन हैं, मुंबई से हमारे साथ है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े सुभाष गोयल साहब जो एसोसिएम जो एसएचएम के एविएशन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन अभी हम सीधे बात करेंगे सुकेश रंजन। सुकेश, जिस तरीके से आज संसद के अंदर हंगामा नजर आया, कहीं ना कहीं महंगाई को एक राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और ये चिंता का भी विषय है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी मुद्दों की तलाश में भटक रही थी और पिछले कुछ दिनों से लगा कि एक सेंट्रल थीम जो है वो महंगाई है जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है, और सरकार यूपीए 2 में अगर देखा जाए आशु, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो एनडीए के हाथ लगा है, इसलिए वो उसको जाने देना नहीं चाहती थी। और महंगाई पे ऐसी डिबेट हुई, हालांकि पहले विपक्ष चाहता था कि ऐसे नियम के तहत चर्चा हो जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो, सरकार उस पर नहीं मानी। और जब आज पूरी चर्चा हुई तो उस दौरान सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे लग रही थी, क्योंकि पूरा विपक्ष और कुछ सहयोगी दल भी विपक्ष के साथ था। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है बजट के एक दिन पहले, जो महंगाई पे सरकार बैकफुट पे गई है, उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो बजट के ऊपर भी दिखेगा। बिल्कुल, YK अलग साहब, सवाल ये कि एक तरफ महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जो फूड इन्फ्लेशन और 17% से ऊपर है, दूसरी तरफ जो तमाम रिसेशन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में एक मिसाल के तौर पर सामने है, क्या ये आपस में किसी तरीके का विरोधाभास है? नहीं, विरोधाभास तो नहीं है जी। ये जरूरी बात है कि क्योंकि रिसेशन था और हमने खर्चा ज्यादा किया,
तो भाव बढ़ने लगे और खरीफ अच्छा नहीं था, लेकिन रबी अच्छा हुआ है और अगर हम फालतू का खर्चा कम करें तो भाव तो जरूर नियंत्रण में आने चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि अभी समस्या ये है कि जो अगला आने वाला खरीफ है उसमें किसान को ठीक भाव मिलने चाहिए। देखिए अभी भी रबी के बाजार जो हैं, जब किसान आ रहे हैं अपना माल लेकर, तो जैसे तुअर दाल मैं महाराष्ट्र में था कुछ गाँव में, तो वहाँ 27-28 रुपए किलो पे बिक रही है जी। और बंगाल की सरकार ने कहा है कि आलू के भाव गिर रहे हैं जी। सो भाव तो रबी में गिरेंगे और उल्टा समस्या दूसरी तरफ होगी कि हम कैसे खरीफ में किसान को ऐसे इंसेंटिव दे सके, तो जैसे आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा है जी। भारतीय कृषि में विनिमय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है जी। तो हमें ये करना पड़ेगा, किसान को वो इंसेंटिव देने पड़ेंगे तब जो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके सर। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर तो मैं मानता हूँ बढ़ रहा है जी सर, एक बात ये भी है कि कृषि में पहली बार ये माना गया कि जो एग्रीकल्चर में सर्विस सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं इस बार 6,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि पिछले साल में बहुत कम हुआ करता। मेरा सवाल ये कि इस अर्थ जो आज इकोनॉमिक सर्वे था इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर महंगाई का जो असर है ये फूड के साथ साथ जो है वो दूसरे सेक्टर पर भी असर डाल सकता है, यानी महंगाई और भी बढ़ सकती है, ये क्या खतरनाक बात है? हाँ ये खतरनाक बात इसीलिए है जी। कि देखिए अब हमारा 7-8% जो विकास का दर है जी। वो अगर बढ़ना चाहे तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसे अमेरिका या विलायत या हमारे कॉम्पिटिटर्स में 2 या 3% है जी। हमारे अगर इन्फ्लेशन का रेट बड़ा हाई रहा तो हम उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे जी। तो इसीलिए बजट में ये जरूर होगा कि खर्चा फजूल का खर्चा कैसे कम किया जाए जी। ये जो चर्चा हो रही है कि स्टिमुलस को विड्रॉ करो जी, इसका मतलब यही है कि फजूल का खर्चा कम किया जाए जी। तब जो विकास के दर के लिए वो प्री कंडीशन बनाई जाए तब जो हम 8 या 9% के विकास के दर पर जा सके जी। हमारे साथ दूध साहब, एक बात ये कही जा रही कि जो मंदी का दौर था पिछला साल और उस मंदी के दौर की वजह से सरकार की तरफ से स्टिमुलस दिया गया और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात की चर्चा भी की ग्रेजुअली जो है उस स्टिमुलस को विड्रॉ किया जाए, इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपको लगता है कि स्टिमुलस विड्रॉ होना चाहिए या अभी भी सरकारी समर्थन की जरूरत है? समर्थन की जरूरत तो है, पर एक बात देखिए कि स्टिमुलस पैकेज के कारण ही जो ग्रोथ हुई है, तो सरकार जो बात कर रही है कि हम 9% ग्रोथ करेंगे स्टिमुलस पैकेज के कारण ही पॉसिबल हुआ है, पर सरकार फिस्कल डिफिसिट भी नहीं बता सकती है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल रहता है, हमारी रेटिंग एजेंसी रहती है वो कंट्री की रेटिंग कम कर देती है, तो फिस्कल डिफिसिट भी नहीं करना है, तो यही बैलेंसिंग करना है। और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें यही बताया गया है कि अब उनको 4 चीजें एडजस्ट करनी है। पहली बात रही कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है तो विकास दर बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। पर हमें क्या चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही बता दिया था कि हमको 10% ग्रोथ चाहिए 10 साल के लिए, तो चाहे वो इन्फ्लेशन बढ़े, फिर है इन्फ्लेशन बढ़ा उसके साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ फिर महंगाई बढ़ती है, तो ये चक्र से कैसा छूटे? मतलब आपके कहने का मतलब ये कि स्टिमुलस किसी भी हालत में विड्रॉ नहीं होना चाहिए अगर इंडस्ट्री की सेहत बेहतर रखनी है तो? हाँ, पर कॉम्बिनेशन अभी इस बार मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी साहब थोड़ा तो स्टिमुलस पैकेज विड्रॉ करेंगे ही और इंडस्ट्री को वह सहन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ देखते हुए इंडस्ट्री की काफी ग्रोथ हो रही है जी। हम खाली यही कहते हैं कि आप थोड़े थोड़ा और समय ये स्टिमुलस पैकेज रखिए क्योंकि आपका दूसरे जो डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। आपके कहने का मतलब है कि सडनली विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे विड्रॉ। सुभाष गोयल साहब, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पे? क्या आपको लगता है कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 4 साल के अंतर्गत जो है आफ्टर 4 ईयर्स हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट भी हो सकती है और हम दुनिया के सबसे प्रमुख इकोनॉमी में से एक हो सकते हैं, क्या ये रियलिस्टिक फिगर है या अभी जो सरकारी समर्थन इस वजह से सारी चीजें हो रही है? सुभाष गोयल जी, आपको मेरी आवाज आ रही लगता है? जी आप, मेरा सवाल ये कि क्या आपको भी लगता है कि स्टिमुलस जो है विड्रॉ नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो 4 साल के बाद का प्रोजेक्शन है कि हिंदुस्तान दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में से एक होगी, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते?
नहीं देखिए स्टिमुलस जो है मैं सहमत हूँ कि ग्रेजुअल विड्रॉल होनी चाहिए जी, और साथ में जो सर्विस इंडस्ट्री है जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री है जी, क्योंकि सिर्फ हमारा टारगेट एक 10% या 9% इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए जी, हमारा टारगेट होना चाहिए गरीबी हटाना जो कि गवर्नमेंट का मैंडेट है जी, तो वो जब ही हटेगी जब जो लेबर इंटेंसिव और जो जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं इंडस्ट्रीज आप उनको सपोर्ट करें, पर उनको इस बजट में मुझे लग नहीं रहा कि कुछ सपोर्ट है क्योंकि पिछले बजट में भी टूरिज्म और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को कोई सपोर्ट नहीं मिली है। जी जी सुभाष गोयल साहब और भाई कहले साथी दूध साहब हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विशेष कार्यक्रम ड्रीम्स अनलिमिटेड और ब्रेक के पहले सुभाष गोयल जी ने इस बात का जिक्र किया था कि पॉवर्टी एलिवेशन तमाम चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। अलग साहब मेरा सवाल बहुत सिंपल सा, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि जो आपकी जो जो कृषि नीति है इसमें बुनियादी बदलाव की जरूरत है, आपको लगता है कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए अभी? एक तो किसान को उसकी जो मुनाफा का दर है वो बढ़ाना पड़ेगा जी, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रही है सरकार की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उससे विकास हमारा नहीं बढ़ेगा। किसान को अपनी जमीन के लिए सीड्स के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ज्यादा पैसा खर्चना होगा। दूसरा ये है कि हमारे गांव को छोटे शहरों और बड़े गांव के साथ कनेक्ट करना चाहिए, हमारी मांग बहुत बढ़ रही है। अब जैसे कि सर्वेक्षण ने कहा है कि अगर आप कंज्यूमर्स के भाव देखें तो खाली 6% प्राइस बढ़ा है अगर आप नेशनल इनकम डिक्लेटर देखें तो उधर हम 18% की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 6% की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसान को वो फायदा नहीं मिलता। तो वी हैव टू इंप्रूव मार्केटिंग चैनल्स, किसान अपनी अपनी संस्थाएं बनाएं और जो नई मार्केटिंग चैनल्स बन रही हैं उनको हम बढ़ावा दें, ये और टेक्नोलॉजी जी। अब ये जो हमने किया कि बैंगन की नई टेक्नोलॉजी को रोक दिया जी, ये अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली और ये क्लैरिफाई किया गया है कि टेक्नोलॉजी को हम सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट की भी जरूरत है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने के लिए। सुभाष गोयल जी आपको क्या लगता है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे इस बारे में साफ तौर पे कहता है कि जो हेल्थ और एजुकेशन में जो गांव का जो इलाका है वहां पे एब्सेंटिसिज्म बहुत ज्यादा है, वहां पे जो है मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा, कोई भी आदमी गांव में जाना नहीं चाहता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, कैसे किया जा सकता है वहां पे? देखिए हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं जी, बजट्स में हर साल रोजगार योजना होती है पर उसका रिजल्ट क्या है जी, नेक्स्ट बजट से पहले हमें बताना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई ये हमने रोजगार योजना करी थी इसका ये रिजल्ट निकला जी, चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, इकोनॉमी चाहे आप 9% ले जाओ 10% ले जाओ जब एक आदमी को रोटी नहीं मिलेगी जी जी, तो जो नक्सलवादी मूवमेंट है और उस तरीके की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं वो खड़ी होंगी। मतलब आपके कहने का मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे बेहद जोर देना चाहिए। दूसरा आपसे आखिरी सवाल, ऐसी एक चीज बताइए जो आप कल बजट में चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी आपकी सुने और उस पर कार्रवाई करें। हम ये चाहे कि फिस्कल डिफिसिट कैसे भी करके कम करें, फिस्कल डिफिसिट 6% होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फिस्कल डिफिसिट 4% होना चाहिए और अगले बजट में वो कैसे कम करेंगे जी जी, और FRBM एक्ट कैसा दिखा पास करेंगे उसके बारे में विवरण आना चाहिए जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दूध साहब, साधी अलग साहब और सुभाष गोयल जी और सुकेश रंजन भी। ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, वक्त ब्रेक के बाद देखिए डंके की चोट पर हमारा विशेष कार्यक्रम।